हाय गाइस, वेलकम टू एडुमंत्रा। मेरा नाम है धनलक्ष्मी और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस हम करेंगे। अब आपको याद होगा पिछले दो वीडियोस में हमने सिंपल टेंस किया था और परफेक्ट टेंस किया था, तो अब हम थर्ड वीडियो के साथ आ गए हैं जो कि है कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल यानी इनकम्प्लीट, यानी जो काम इनकम्प्लीट है, जो काम पूरा नहीं हुआ है, जिसमें और अभी भी चल रहा है। जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। तो हम क्या क्या यूज करते हैं इसमें, हिंदी में हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, तुम कर रही, वो कर रही है, मैं कर रही हूँ, हम कर रहे हैं। ओके, सो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस किस हिसाब के होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब तक तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा, आर यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट में हमें सब्जेक्ट के बाद हमने ऐड करने हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी एम, इज, आर। ये एम, इज, आर जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा। ओके, उसके बाद वी आई एन जी। वी आई एन जी यानी वर्ब इन आई एन जी फॉर्म, यानी गो का गोइंग, शो का शोइंग, टीच का टीचिंग, लिसन का लिसनिंग। ओके, कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, आई एम गो टू स्कूल, नहीं, आई एम लग गया है तो आई एन जी लगाना ही है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ही हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अब हम देखते हैं जहाँ पे मैंने सैम्पल दिया है फॉर्मूले के हिसाब से। तो आई इज द सब्जेक्ट, आई के साथ लगता है एम, कमिंग टुडे, सो कम का हमने कर दिया है कमिंग। ओके, सो आई एम कमिंग टुडे। और यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट में एम किसके आगे लगता है, आई के आगे। ही इज, शी इज, इट इज, प्रिया, रिया इज, सिंगुलर के सामने इज लगता है। यू आर, वी आर, दे आर, पेरेंट्स आर, फ्रेंड्स आर, प्लूरल के आगे आर लगता है। ओके, सो ये हमने समझ लिया पॉजिटिव टोन कैसा होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आज आ रहा हूं। ओके, अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव करके देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई एम नॉट कमिंग टूडे, एज इजी एज दैट। ठीक है, सो आपने बस एक नॉट लगाना है। यहाँ पे हम शी से इस सेंटेंस को लिखते हैं, शी इज नॉट वॉकिंग डेली। ओके, सो इस प्रकार से हमने नेगेटिव करना है, बस नॉट लगा देना है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। अभी इज नॉट, एम नॉट के शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं जिससे मैं आपको वाकिफ कराती हूँ अभी। सो देखिए, एम नॉट को इंग्लिश में एक और वर्ड है ain't, ए आई एन टी, ain't। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन ain't होता है, उसका मीनिंग एम नॉट ही है। इज नॉट को isn't, isn't। आर नॉट को aren't, आर नॉट को कई बच्चे aren't को aren't बोलते हैं। प्लीज याद रखिए इसमें र को प्रोनाउंस ही नहीं करना है, आप या तो aren't बोल दीजिए, aren't जैसे आंटी होती वैसे aren't, या फिर aren't, आर को रोल कीजिए या फिर aren't बोल दीजिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन में सबसे पहले एम इज आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, सो एम आई कमिंग टूडे, या फिर इसी शी इज नॉट वॉकिंग डेली, शी इज वॉकिंग डेली का कैसा होगा, इज शी वॉकिंग डेली, करेक्ट, यस, नो, हमने इसमें एक चीज नहीं लिखी, वो है क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें किस तरीके से बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर कैसे बनाते हैं उसके नेगेटिव, और कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
ओके, तो अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। एक और चीज मैं बताती हूँ, प्लीज कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, सी ओ एन टी आई एन, यहां तक का तो क्लियर है, यू ओ यू एस होता है, यू ई एस नहीं होता है। दिस वर्ड इज कंटिन्यूस, चलता जा रहा है, दिस इज कंटिन्यूअस। ओके, सो अगेन लेट्स गो बैक टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आपका जो है टेंस सिर्फ स्टिल इनकम्प्लीट है बट वो पास्ट में, यानी मैं कर रहा था, मैं कर रही थी, हम कर रहे थे। सो हम बोल रहे थे, मैं देख रहा था, वो चल रही थी, हम गा रहे थे। ओके, सो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस एम इज आर के बदले हमने लगाना है वॉज या वर, बाकी वी आई एन जी ही रहेगा, आई एन जी के बदले ईडी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वॉज और वर ही जो है रिप्लेस होता है। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई एम कमिंग टूडे का पास्ट कैसा हो जाएगा, आई वॉज कमिंग टूडे, मैं आज आ रहा था। ओके, सो शी वॉज कमिंग टूडे, दे वर कमिंग टूडे। ओके, अब ये वर्ड जो वर्ड है इसका मैं एक प्रोनंसिएशन वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहती हूँ। इसको कई बच्चे वेयर बोलते हैं, वेयर जो वर्ड है वो डब्ल्यू एच ई आर ही होता है, वो होता है वेयर, ये है वर, इसका प्रोनंसिएशन आपने कैसे करना है, वर, जो वर वधु होते हैं वैसा वर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव किस तरीके से बनाना है इसको। तो सब्जेक्ट प्लस वॉस या वर प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस आई एन जी वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, आई वॉज नॉट कमिंग टूडे, दे वर नॉट वॉकिंग टूडे डेली। सो ये वॉज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको वॉजंट बोलते हैं, वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म वेरेंट नहीं होता है, वो होता है वर्न्ट, वर्न्ट जैसे आंट वैसे वर्न्ट। ओके, सो दे वर्न्ट कमिंग, दे वर्न्ट वॉकिंग, वी वर्न्ट सिंगिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है, इजी, वॉज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो वॉज आई कमिंग टूडे, क्या मैं आज आ रहा था, वर दे वॉकिंग डेली, क्या वो लोग डेली चल रहे थे। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है, लेकिन उससे पहले आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस हिसाब का होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम सेंटेंसेस बोलते हैं रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, यानी मैं कर रहा होगा, वो बोल रही होगी, वो आ रहे होंगे। ओके, सो इस टाइप के टेंसेस सेंटेंसेस होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव टोन में किस तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेंगे, यानी हिंदी में हम कहेंगे मैं आ रहा होगा। ओके, सो सब्जेक्ट और उसके बाद am, is, are, was, were कुछ भी नहीं, सिंपल सा एक will be, I will be, subject plus will be plus ving plus object, so I will be coming today, she will be going there, we will be doing this, okay, so कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं, मैं नहीं कर रहा होगा। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ving प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई विल नॉट बी कमिंग टूडे, दे विल नॉट बी वॉकिंग डेली। ओके, सो बस हमने लगाना है विल नॉट बी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, विल नॉट को दूसरा शब्द कहते हैं वोंट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी आई एन जी, सो विल बी प्लस सब्जेक्ट नहीं होता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। So, will I be coming today? क्या मैं आ जाऊंगा, आ रहा होगा, या फिर will they be walking daily? क्या वो daily चल रहे होंगे? Understood? So, इस हिसाब में हमने समझ लिया है कि future continuous tense क्या होते हैं। अब continuous tense की एक और चीज मैं आपको टिप के तौर पे देना चाहूंगी, वो ये है spelling। Okay? So, spelling का मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जो भी verb e से end होते हैं, the letter e, e से जिसकी भी end होती है, उसका आप जब ing form में convert करते हो तो आप वो ई को हटा देते हो। फॉर एग्जाम्पल कम, सी ओ एम ई, कम एंड में क्या है ई, तो उसका जब आई एन जी करेंगे तो स्पेलिंग क्या होगा, कमिंग, सी ओ एम आई एन जी, वो ई हमने हटा दिया। ये एक ग्रामर का रूल है, तो जो भी वर्ड्स ई में एंड होते हैं उसका हमने आई एन जी फॉर्म में ई हटा देना है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, बेक, बेकिंग, टेक,
टेकिंग, आप देख सकते हैं ई जो है हट गया, सेम है मेक, मेकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो ये टिप के साथ अब हम ये वीडियो के एंड पे आ चुके हैं, जहां मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ. आज मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे समझे आपको कितना समझा है. फिर हम जाएंगे अपने फाइनल और फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, टेंसेस. ओके, सो ये क्वेश्चंस मैं रीड कर देती हूँ. शी वॉक्स टू स्कूल, ये मैंने सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में लिखी है, आपको इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ओके, सो शी वॉक्स टू स्कूल का प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगा, कॉमेंट कीजिए. दे डोंट वर्क हियर का पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव फॉर्म क्या होगा वो बताइए. यू कम टुमारो का फ्यूचर कंटिन्यूअस क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा वो मुझे बताइए. तो इससे गाइस मैं आपकी इजाजत लेती हूँ, आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स को दिखाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे.